राम राम सभी ने। आज हम बात करेंगे मोहम्मद अजीज़ के बारे में। बॉलीवुड की जो है तमाम मशहूर गानों में जो है आवाज़ दे चुके हैं गायक मोहम्मद अजीज़। अमिताभ बच्चन, गोविंदा की फिल्मों के लिए भी गाना गा चुके हैं। बॉलीवुड के जो है फिल्मों के मशहूर प्लेबैक सिंगर मोहम्मद अजीज़ का जो है 27 नवंबर 2018 को निधन हो गया। उनकी उम्र जो 64 साल। मोहम्मद अजीज़ की बेटी जो है सना ने आज तक को सिंगर के निधन की जानकारी दी। अजीज सोमवार की रात जो है कोलकाता में थे। मंगलवार को वह मुंबई पहुंचे जहां उनकी 3 बजे के करीब तबीयत बिगड़ गई। जानकारी के मुताबिक जो है घर लौटते वक्त एयरपोर्ट पर मोहम्मद अजीज़ को ऑटो में परेशानी हुई। ड्राइवर ने उन्हें नानावती अस्पताल में पहुंचाया और सिंगर की बेटी को इस बात की जानकारी दी। अस्पताल में जो डॉक्टरों ने अजीज़ को मृत घोषित कर दिया। अजीज का जन्म जो है 1956 में पश्चिम बंगाल में हुआ था। अजीज ने बॉलीवुड की हिंदी फिल्मों के अलावा बंगाली, उड़िया और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में प्लेबैक सिंगिंग किया। अजीज मोहम्मद जो रफ़ी साहब के बहुत बड़े फैन थे। उन्हें अनु मलिक ने बॉलीवुड में बड़ा ब्रेक दिया था। अमिताभ बच्चन की फिल्म मर्द के टाइटल सॉन्ग में उम्र तंगे वालों से अजीज रातों रात सुपरस्टार बन गए। बाद में अजीज ने कई फिल्मों में हिट गाने दिए। लाल दुपट्टा, मलमलका में मीना से, नशा की से जैसे सैकड़ों हिट गाने दिए। अजीज ने मर्द के अलावा बंजारन, आदमी खिलौना है, लव 86, पापी देवता, जुलम को जला दूंगा, पत्थर के इंसान, बीवी होता है इसी, बरसात की रात जैसी फिल्मों में गाने दिए। पूरा नाम जो है इनका मोहम्मद अजीज, बोर्न एज सैयद मोहम्मद अजीज उन नबी, 2 जुलाई 1956 को जन्म हुआ था इनका। इनको जो मुन्ना के नाम से भी जानते हैं। मल्टी लैंग्वेज प्लेबैक सिंगर ₹20,000 जो है गाने गा चुके हैं, जिनमें जो है सूफी, डेवोशनल और जो है जर्नस सबसे ज़्यादा हैं। 10 जो है लैंग्वेज में गाने गाए इन्होंने। पहली फिल्म थी इनकी अंबर 1984 में। पत्नी थी इनकी रूबीना अजीज। करण अर्जुन में भी गाना गा चुके हैं। बड़ा ही फेमस डायलॉग जो है इन्होंने दिया था, मर्द को कभी दर्द नहीं होता। उनके गानों को हमेशा याद रखा जाएगा। इन्होंने जो है सबसे बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया, कल्याण आनंद, लक्ष्मीकांत, प्यारेलाल देव, राहुल देव बर्मन, नौशाद, पी नैयर, शाह बप्पी लहरी, राजेश रोशन, रामा लक्ष्मण, रविंदर जैन, उषा खन्ना, नदीम सरवण, जतिन ललित, अनु मलिक, दामोदर राव, आनंद और आनंद श्रीवास्तव के साथ भी इन्होंने काम किया। इनकी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती गई और ये 200 में जो है स्टेज शो भी करने लगे।
वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दियो।